नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही यूपी की जमीन बुलडोजरों की आवाज से थरथराने लगी है। वो बुलडोजर वापस आ चुका है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का बड़ा मुद्दा बना। वो बुलडोजर वापस आ चुका है जिसके जरिए विपक्ष ने वार किया, लेकिन योगी ने उसे कवच बना लिया। जिस बुलडोजर ने समर्थकों के बीच योगी का नाम बदलकर बुलडोजर बाबा कर दिया, वो बुलडोजर वापस लौट आया है। कैसे हो रहा है यूपी में बुलडोजर का महा एक्शन, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। योगी चुनावी मंच से हुंकार भर रहे थे, दावा कर रहे थे कि बुलडोजर वो ही चला सकते हैं जिसमें दम है। और देखिए 10 मार्च को नतीजे आए, और नतीजे आने के 5 दिन के भीतर यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर अवैध संपत्ति को ढूंढकर कुचलने लगे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ताजा तस्वीरें मेरठ और कानपुर से आई हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि बुलडोजर ना तो पिछली सरकार में रुका था और ना ही इस बार रुकेगा। शहर में कई ऐसी जगह हैं कि जो भूमाफियाओं ने कब्जा रखी है, और प्रशासन और एमडीए और पुलिस मिलकर इन जमीनों से जो अवैध कब्जे हैं वो हटाने का काम पूरी तरीके से कर रहा है। कई और ऐसे ही अवैध निर्माण निशाने पर है, जिन पर जल्दी कुछ और बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। साफ हो गया है कि बुलडोजर अपनी उसी स्पीड से चलेगा, और स्पीड ये कम होने की बजाय और बढ़ेगी। हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ घंटों पहले तक मेरठ में इस जगह पर कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा हुआ करता था। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम है। दरअसल ये पूरी जमीन सरकारी पार्क की है, जिस पर मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों ने पहले कब्जा किया और फिर करोड़ों की जमीन पर दुकानें बनाकर बेच दिया गया। बदन सिंह बद्दो यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो साल 2019 से फरार चल रहा है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, कानपुर शहर में बुलडोजर जमकर चला है। कानपुर के बर्रा में जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो एक तालाब के करीब 2.5 बीघा जमीन है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई थी, और इसके बाद यहां पक्के मकान खड़े कर दिए गए। लेकिन अवैध कब्जे से बने इन पक्के मकानों को कुछ मिनटों के भीतर ही जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये योगी सरकार 2 का ट्रेलर है, वो ट्रेलर जो ये बता रहा है कि बुलडोजर सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि दूसरे कार्यकाल में दोहरी ताकत से भूमाफियाओं पर वार करने लगा है। वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोजर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर वो नाम है जो मुद्दा बना हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर को हथियार बनाकर योगी सरकार पर वार किया था। सुनिए अयोध्या की चुनावी रैली में अखिलेश ने क्या कहा था। उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया,
और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बस इसी बयान के बाद से बुलडोजर यूपी चुनाव में सबसे आगे निकल गया और बाकी सब पीछे छूट गया। अखिलेश के वार के बाद योगी सरकार ने बुलडोजर के मुद्दे को ऐसा लपका कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर खड़े दिखाई देने लगे और योगी आदित्यनाथ तमाम मुद्दों के साथ जनता को ये बताना नहीं भूलते थे कि वापस आने के बाद बुलडोजर को कोई रोक नहीं पाएगा। आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं करना चाहिए। मकसद साफ था, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की छवि को साबित करना चाहते थे। यही वजह है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र जरूर करते रहे। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भू माफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। रणनीति काम आई, 10 मार्च को नतीजे आए तो बीजेपी ने सत्ता में बहुमत के साथ वापसी की और फिर जश्न भी बुलडोजर पर ही मना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर का क्रेज ऐसा है कि प्रयागराज से लेकर आगरा तक लोग बुलडोजर का ही टैटू बनवा रहे हैं। रही सही कसर मेहंदी ने पूरी कर दी। जो महिलाएं मेहंदी लगवाने आ रही हैं, वो कह रही हैं कि जो ट्रेंड होता है उसी की छाप हथेली पर होती है और इस बार ट्रेंड में तो बाबा का बुलडोजर है। मेहंदी लगवाने में चूंकि जो चीजें ट्रेंडिंग है उसको हम लोग ट्राई करते हैं और ट्रेंडिंग तो अभी बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा है और भगवा है, तो भगवा घर घर छाना चाहिए। जब से चुनाव हुआ है तब से ही ट्रेंड में चल रहा है कि इसी का मेन ज़्यादा होता है कि भैया हमें ये चीज़ बनवाना है, बहुत ज़्यादातर लोग यही बनवा रहे हैं आजकल, यही बुलडोजर। तस्वीरें नवंबर 2020 की हैं जब बाहुबली मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के गजल होटल पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा था। तीन तीन बुलडोजर मिलकर मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को मलबे के ढेर में मिला रहे थे। इसके अलावा भी योगी सरकार मुख्तार अंसारी के कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला चुकी है। मुख्तार अंसारी हो या फिर कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे जो एनकाउंटर में मारा गया था, विकास दुबे के किले को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था। योगी सरकार कैसे बाहुबलियों और गैंगस्टर की अवैध संपत्ति जब्त कर चुकी है वो भी देखिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी गिरोह की
1100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद गिरोह की 355 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। गैंगस्टर सुंदर भाटी गिरोह की 63 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि अपराधी कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार शिकंजा कस चुकी है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मकसद से राज्य में 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। पिछले 5 सालों में राजस्व और पुलिस विभाग ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी उसे आप इस तस्वीर से समझिए। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का वीडियो है। लखनऊ नगर निगम का इलाका 631 वर्ग किलोमीटर में फैला है और योगी सरकार के पिछले 5 साल में 688.51 वर्ग किलोमीटर जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया गया है। मतलब जितना बड़ा लखनऊ है उतनी जमीन राज्य में अवैध कब्जे से मुक्त हुई है। पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने 187 भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया था और दूसरी बार के लिए उनका एजेंडा कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए, योगी की वापसी से सिर्फ बुलडोजर ही नहीं लौटा है, वो खौफ भी लौटा है जिसने पिछले कार्यकाल में अपराधियों के हौसले हिला दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही कार्यकाल में कह दिया था कि यूपी में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। बीता चुनाव भी बीजेपी इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़कर जीती है और अब यूपी की फिजा में उसके असर की लहर दिखाई देने लगी है। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। मतलब गर्मी शांत होने लगी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर है। करीब 20 घटनाएं कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। जान बचाने का खौफ कहिए, अपराधियों के मन में सरकार के नाम की दहशत कह लीजिए या फिर यूपी में कानून का कसा हुआ पंजा मान लीजिए, जो भी है यूपी की सियासी पिक्चर की हकीकत फिलहाल यही है। जो कानून को तोड़े वो गलत और जो कानून की माने वो ही सही है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया या अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ यूपी की जिस नई तस्वीर का जिक्र कर रहे थे उसी की मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है जहां अपराध के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा जिसमें लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो।
सेक लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। गौतम सिंह पर गल्ला व्यापारी के अपहरण का आरोप है और वो अपने इस गुनाह का कबूलनामा भी कर रहा है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाए थे। कहाँ से? बबनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मारने। डर इस बात का था कि सरेंडर नहीं किया तो गोली मार दी जाएगी, और ये डर पूरे यूपी में आग की तरह क्यों फैला है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स को दो पुलिस वाले सहारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसके पैर से खून निकल रहा है, और खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी। दावा भी ऐसा ही है कि योगी राज में अपराधी कराह उठेंगे और अपराध को दौड़ने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश कमर उर्फ कल्लू के साथ मुठभेड़ के बाद ये तस्वीरें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक बदमाश कल्लू हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। कमल उर्फ कल्लू जो अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर है, इसको इंदिरापुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहा था। इंदिरापुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही की रिवाल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2022 की चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ये बताना बिल्कुल नहीं भूले थे कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो जो अपराधी दहशत की दुकान चलाते थे वो योगी राज में थर थर कांपते हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जो अपराधी खोप और दहशत का एक माहौल बनाते थे, आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। और देखिए यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजे आते ही यूपी के सहारनपुर से क्या तस्वीरें आई है। तस्वीर में चार लोग हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक महिला है। दरअसल ये चारों भाई हैं और महिला इनकी माँ है। चारों भाई शराब की तस्करी का धंधा कर रहे थे। सोमवार दोपहर को चारों भाइयों ने अपराध और शराब के धंधे से तौबा की और माफी मांगते हुए कहा कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालेंगे। तस्वीरों में जो होता दिखाई दे रहा है उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में दोहरा रहे थे और आंकड़ों के दम पर दोहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अमित शाह ने कहा था कि वो डेटा लेकर आए हैं, इसलिए डेटा से ही समझते हैं कि वाकई यूपी में अपराध कम हुआ है, इसे क्राइम रेट से समझते हैं। क्राइम रेट यानी 1 लाख की आबादी पर कितना अपराध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016 में यूपी में हत्या का क्राइम रेट 2.2 था, जो 4 साल बाद 2020 में घटकर 1.7 हो गया, यानी हत्या के मामलों में 23% की कमी आ गई। ठीक इसी तरह
2016 में यूपी में बलात्कार का क्राइम रेट 4.6% था, जो 4 साल बाद साल 2020 में घटकर 2.5% हो गया। यानी 4 साल में बलात्कार की घटनाओं में करीब 40% की कमी आई है। जबकि 2016 में अपहरण का क्राइम रेट 7.3 है, जबकि 4 साल बाद 2020 में ये घटकर 5.6 हो गया। यानी योगी राज में अपहरण के मामलों में 23% की कमी आई है। योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते ना कि हमें बंद कर दो, वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये बातें यूं ही नहीं कही गई थी, गुंडों में फैली दहशत के दावे यूं ही नहीं हुए थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर शामली के कैराना की तस्वीर है। तारीख थी 23 सितंबर 2021, जब दो बदमाश थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। योगी सरकार वन हो या फिर योगी राज टू, तस्वीरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। ताजा तस्वीर सहारनपुर के चिलखाना थाने से आई है, जहां संगीन मामलों में जेल में जा चुके हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये तस्वीर कितनी आदर्श है कि अपराधी थाने आकर हाजिरी लगवाएं और फिर कभी अपराध ना करने की कसम भी खाएं। और अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ नहीं ली है, यानी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही अपराधियों की हवा टाइट है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिए रात 9 बजे ABP News, आपको रखे आगे।